आओ आओ महारानी कुंती आओ। सूत पुत्र करण के शिविर में महारानी कुंती का स्वागत है। हे बेटा करण, यहाँ मैं अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ। महारानी कुंती के मुख से मैं एक शब्द सुनकर के हैरान हूँ। बेटा करण? हाँ। नहीं, मुझे कहो कि सूत पुत्र करण। मैं नहीं कह सकती तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम सूत पुत्र नहीं। सारा संसार कहता है, तुम्हें कहने में क्या आपत्ति है? ये सारा संसार कह सकता है, लेकिन मैं नहीं कह सकती। मैं यहाँ पे अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारे जीवन की और अपने जीवन की एक सच्चाई बताने आई हूँ। जो टुकड़ों पर पला बड़ा हो, जो टुकड़ों के सहारे जी रहा हो, उसके क्या जीवन की सच्चाई होगी? जिसका कोई ठौर ना ठिकाना, कोई अता नहीं पता नहीं, एक सूत पुत्र का दर्जा मिला हुआ है, उसका क्या परिचय, क्या जीवन की सच्चाई बताओगे? तुम्हारे जीवन की सच्चाई ये है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है महारानी कुंती, हाँ, ये महारानी कुंती तो है ही है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी एक खास रिश्ता है इस महारानी कुंती का। क्या रिश्ता है? एक माँ और बेटे का रिश्ता है मेरे और तुम्हारे बीच में। माँ बेटे का? हाँ। एक सूत पुत्र की माँ महारानी कुंती हो सकती है क्या? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। नहीं, ये सब झूठ। झूठ नहीं है, ये सब झूठ है, ये बिल्कुल सत्य है। आप एक मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये राधा सुतदानी लेकिन मेरी भी बात सुनो बेटा। हाँ पपने भी कहिए। माता कह के बोले लाडले फटके से तेरी वाणी। माता कह के बोले की
बेटा है। हाँ। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कौन है और कौन तुम्हारे पिता है। तुम्हें पता है? मुझे पता है, लेकिन मुझे और मुझसे ज्यादा इस बात का किसी को पता भी नहीं है। सुनिए महारानी कुंती, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है? कौन है? हाँ, इतना तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि मेरी जो माँ है, जो मेरी खास माँ होगी, कि हो सकता है कि वो किसी परिस्थितियों में बेटे को जन्म देते समय अपनी जीवन लीला से हाथ धो बैठी हो। लेकिन उसका भी एक वेद और शास्त्रों में सार है कि बालना बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाह हो से, कि बालना बांका हो सकता जब हर की ठीक निगाह हो से, ममता के आंचल ते भर के दूजी को नपछा हो से, माँ के प्यार में कोई पुत्र ना छोटा और बड़ा हो से, और जन्म देनिया अगर मरे तो वो पालनिया भी माँ हो से। तुम्हें जन्म देने वाली मरी नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, मैंने ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है बेटा। सुनो, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? सुनिए, मैं बताता हूँ। सुनाइए। सच्चाई है? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर तुम्हें अपने खून से सींचा है बेटा। एक बात और पूछूं? पूछो। फिर तेरी छाती फटी नहीं, फिर तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों कर्म, तने क्यों कर्म, तने क्यों कर्म ठुकराया। कोई भी माँ नहीं चाहती कि अपने बेटे या बेटी को जन्म देकर अपने से अलग करे, लेकिन लेकिन मेरी मजबूरी थी। क्या? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया, कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तक ना, तेरे जैसी आज तक ना देखी बेटे खानी। जन्म दिया? हाँ बेटा। और जन्म देकर के तुमने गंगा नदी में बहा दिया? हाँ। आखिरकार क्यों? मेरी मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ। तो इसका मतलब मुझे 9 महीने गर्भ में रखना तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ बेटा। खून से सींचना तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ। दुख दर्द लेकर के मुझे पैदा करना तुम्हारी मजबूरी हो गई? हाँ बेटा। हाँ। दुनिया के लोग लाज कर भय के कारण, कवारेपन होने का कारण, तुमने मुझे अपने से जुदा करने के लिए तुमने गंगा नदी में मुझे बहा दिया। ये भी तुम्हारी मजबूरी थी? बहुत बड़ी मजबूरी। इतने दिन के बाद आना ये सारा भेद बताना, मैं समझता हूँ कि महारानी कुंती आज भी तुम्हारे सामने कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। मजबूरी है, और मजबूरी यह है कि अब मैं अपने बेटे करण से दूर नहीं रह सकती। अब अपने बेटे से आप दूर नहीं रह सकती? नहीं। उस दिन दूर कैसे हो गई? एक कच्ची कली को तुमने जन्म दे करके गंगा नदी में फेंक दिया। उस दिन तुमने पत्थर का दिल कर लिया। मजबूर थी बेटा, मजबूर थी। आज मजबूर नहीं? नहीं। 9 महीने तक रखा गर्म में तने पाया कष्ट बतेरा री, 9 महीने तक रखा गर्म में तने पाया कष्ट बतेरा री, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरा री। जा, मैं तो तेरे लेके वादिन मर गया, जब था गंगा में गेरा री, जब था गंगा में गेरा री।
मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह, एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे। अरे बेटे के सामने माँ को इतना गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। बेटा तो बगैर कहे माँ से माँ माँ कहता है, चारों तरफ डोलता है माई माँ, जवान से माँ निकलता है। लेकिन आज जिंदगी में, आज इस पृथ्वी के ऊपर शायद कोई ऐसी माँ तुम हो जो कि एक बेटे के मुख से कहलवा रही हो कि मुझे माँ कह दे। अपने गुनाहों को स्वीकार करो और मेरी बात सुनो। कहो बेटा। जिस काम के लिए आई हो काम बोलिए। मैं जानता हूं कि सूर्य निकलने से पहले मेरे पास कोई आता है तो वो कोई काम लेकर के आता है, और सूर्य निकलने से पहले कोई आता है तो वो स्वार्थ में आता है, लालच में आता है, कुछ मांगने के लिए आता है। तुम कुछ मांगने के लिए आई हो तो मांगो। मैं तो सिर्फ इतना मांगना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और एक बार अपने मुख से मुझे मां कह दो। मतलब खातर ओ मतलब खातर इस रिश्ते ने याद दिलावण आई। नहीं, मैं तो तुम्हें ये समझाने आई हूँ। पांचों पांडव तेरे भाई में न्यू समझावनी आई। पांचों पांडव तेरे भाई में न्यू समझावनी आई। अरे मांग लिए क्या चाहिए तने शानी। माता कह के बोल लाडला खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। हाँ बेटा। अगर तुम मेरी माँ थी और मैं तुम्हारा बेटा था तो उस दिन क्यों ना बनी माँ? किस दिन? उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, राजा अंग देश का बनाया मुझे। उस दिन कहाँ गई थी तू? द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धाओं ने अपना बल परोस अजमाया, किसी से मीन ना बिंधी। राजा ने एक बात कही कि लगता है कि सारा भूमंडल वीरों से खाली हो गया। इतना सुनते ही मेरे से रुकाने गया, मैं खड़ा हुआ, धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, आगे को कदम बढ़ाया, मीन को बिंधना चाहा, द्रौपदी को बिहाना चाहा। द्रौपदी मीन बिंधने से पहले मेरे सामने एक सवाल लेकर के खड़ी हो गई। कौन सा सवाल? द्रौपदी ही बोली, क्या मीन बिंधने वाला जरा ठहरिए, मीन बिंध लेना और मुझे ब्याह लेना, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दे। कौन सा प्रश्न? कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी, तू बाण को थाम बता पहले। तेरे साथ में शादी कर लूंगी, तू बाण को थाम बता पहले। कौन करेगा रहने वाला हाल तमाम बता पहले, और फिर बिंधिए मीन मुझे, अपने माँ बाप का नाम बता पहले, अपने माँ बाप का नाम बता पहले। आज आज कोई मतलब अपना पड़ा तो मेरे सामने आंसू काट करके रो रो करके कह रही है कि मुझे माँ कह दे। तू मेरा बेटा और मैं तेरी माँ हूँ। हाँ। उस दिन नहीं थी तू मेरी माँ? उस दिन थी, लेकिन मजबूर थी बेटा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश कर। तू जो सजा चाहता है वो सजा मुझे दे ले, पर एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे बेटा। नहीं, सुनी मेरी बात। कहिए।
वही मिल जाएगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम? तुम चाहे चाहो तो मेरा सर कलम करवा लेना, चाहो तो मैं सर काट के तुम्हारी झोली में गेर दूंगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। क्या नहीं करोगे? मैंने प्रण किया है मित्रता की अमर मिसाल को कायम रखूंगा। सजना, करण की बात अगर दिल को छू जाए तो पूरा पंडाल तालियों से गूंजना चाहिए कि उस करण को इतना पता होने के बाद भी करण ने क्या कहा। जो मांगोगी वो दे दूंगा, लेकिन लेकिन क्या? मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, जा मांग ले और बकाया। नहीं बेटा नहीं, तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा और मेरे साथ चलना होगा। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हें कहा कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो। नहीं, तुम कहते हो कि मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ये सुना है क्या? और तुमने भी कहा था क्या? कि जो भी सूर्य निकलने से पहले तुम्हारे द्वार पे आता है और जो भी कुछ मांगता है तुम उसको वही देते हो, तुम्हें भी मिलेगा। मैंने तुमसे कहा कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो। नहीं, तुमने इनकार कर दिया। अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते हाँ। तो तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी हुई है हाँ। और झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगती है क्या? कि लाओ जो तुम्हारे पास गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, जिन पांच बाणों पे तूने मेरे पांच बेटों का नाम लिख रखा है, उन पांच बाणों को मुझे दे दे बेटा और मेरे बेटों की जान बकस दे। वाह, काश कि इन बाणों को तुम आज से पहले ले जाती तो मुझे कोई दुख और दर्द नहीं होता। आज ऐसे मोड़ पर, ऐसे मौके पर आकर के तुमने ये पांच बाण मांगे हैं, मेरे परम मित्र यार दुर्योधन ने बड़े विश्वास के साथ मुझे अपनी सेना का सेनापति बनाया और कुछ ना कुछ देख करके बनाया होगा, लेकिन आज वो मौका आने से पहले तुमने ये पांच बाण मांग ली। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ देते तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ जाओ, ये सूत पुत्र करण गुरु परशुराम की दी हुई बख्शी हुई शक्ति, गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण महारानी कुंती तुम्हें दान में तुम्हारी झोली में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लेकिन क्या? एक दुख है मुझे, एक पीड़ा है। कौन सी पीड़ा, कौन सा दुख, बताओ बेटा। इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। कितने बेटे हैं तेरे? छह बेटे हैं मेरे। जब छह बेटे हैं तेरे, पांच के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र, करण की तू जान मांगने आई है, करण की तू जान मांगने आई। नहीं, एक कुंती, एक माँ चाहे कितनी भी डायन क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तो वो भी बकस देती है। मैं अपने पुत्र की जान नहीं मांगना चाहती बेटा, एक बार अपने मुख से माँ कह दे। हे महारानी कुंती, तूने मेरे साथ में भला किया या बुरा किया? हे महारानी कुंती, तूने मेरे साथ में भला किया या बुरा किया? और मेरे जन्म का भेद बता करके आज मुझे बिना लड़े ही तूने हरा दिया। सुनिए मेरी बात, दुर्योधन का साथ ना छोड़ो, क्या मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे,